सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये एक पेंटिंग मैंने कई सदियों से स्टार्ट की हुई है बट कंप्लीट नहीं हो पा रही, और कामों में लगी हुई हूँ, तो इसको भी कंप्लीट करती हूँ मैं। इसका भी ऑर्डर जो है मुझे आ गया। जिस चीज़ का मुझे ऑर्डर आ जाता है तो फिर मैं उस पर फास्ट फास्ट काम जो है वो क्या बोलते हैं, मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको भी गुड बाय कहने का बहुत जल्द समय आने वाला है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी कुछ पुरानी पेंटिंग्स, बल्कि मेरे जो आर्टिकल्स होते थे, प्रैक्टिकल्स होते थे, और मतलब कॉलेज का वर्क जो मेरा बिल्कुल स्टार्ट का वर्क है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। मजाक नहीं उड़ाना है किसी ने, ठीक है। वन बाय वन मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके जी, ये तो मेरे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, डिफेंस डिग्री कॉलेज फॉर वेमेन, ठीक है। वहाँ से मैंने फाइन आर्ट्स में किया था एफ ए इन 8। इट्स टू डर्टी। तो खैर, ये मेरा बहुत स्टार्ट का, बिल्कुल ही स्टार्ट का, जब मैंने किया था स्टार्ट काम तब का। ये टाइल्स डिज़ाइंस हैं सब, किसी ने बनवानी हो ना तो मेरा काम किसी ने चोरी नहीं करना, मुझसे पूछ के डिज़ाइंस बनवा सकते हैं, ठीक है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, वैसे भी मुझे चोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जहर लगते हैं जो लोगों का सामान चोरी कर जाते हैं। आई जस्ट हेट देम लाइक हेल। पॉइंट किस पर है सब जानते हैं। अल्लाह पाक जो है ना, जो गंदे लोग होते हैं ना उनकी रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन एक दिन ऐसी पकड़ होती है कि बस अल्लाह की पनाह, अल्लाह के ना अजाब से डरना चाहिए, बस मैं ये कहती हूँ। तो जी, ये भी हमारा टाइल डिज़ाइन है, और ये जो पीछे आपको चूँ 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 की आवाज़ आ रही है, ये फातिमा मैडम आ रही हैं, और अगर वो आ गई उसने मुझे कुछ वीडियो नहीं बनाने देनी। सो ये फ्रेम डिज़ाइन, वाटर कलर, गिफ्ट पैक डिज़ाइन, कारपेट एंड लिविंग रूम बोल लें, कुछ भी बोल लें, सिर्फ एक सोफ़ा रखा हुआ है ना, बहुत गरीबी है, सिर्फ एक सोफ़े के पैसे थे। पेंसिल वर्क, वाटर कलर, अगेन पेंसिल शेड्स, हमें एक ही चीज़ को ना बार बार दोहराना पड़ता था। और ये मेरे स्टूडियो में ना बारिश बड़ी मेहरबान होकर आती थी, तो मेरा सारा काम उसने ख़राब कर दिया है, अभी तक गीली हैं ये नोज। अच्छा, आर्ट वर्क को कुछ नहीं हुआ, मेरे नाम से ज़्यादा दुश्मनी है पानी को, ठीक है। ये मेरा सबसे पहला स्केच था, आई डोंट नो, मैं मैगजीन से देख देख के बना लिया करती थी, तब मैं कौन सी भी पिक्चर मुझे क्लियर मिलती थी मैं उसकी बना लेती थी। और ये आई थिंक सो मैंने शान का पोर्ट्रेट बनाया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि मैगजीन में थी। और ये भी मेरा तकरीबन पहला ही था, मतलब पहले के बाद दूसरा स्केच था, इट्स नॉट दैट गुड बट फाइन, पहली बार के हिसाब से इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं।
मैं आपको बात का भी दिखाती हूँ, मेरा हाथ खुल गया था, तो ऐसा नहीं है कि मैं गंदा काम ही करती थी, ठीक है। ये वो वाला स्केच है जो मैंने अपना एंट्री टेस्ट पास किया था फॉर फाइन आर्ट्स, और टीचर्स देखकर हैरान रह गई थी कि मैंने कभी कुछ नहीं सीखा हुआ, उसके बावजूद मैंने ये बना लिया, तो मुझे वन गो में ही एडमिशन मिल गया था, ज़्यादा मिन्नत समाजित नहीं करनी पड़ी थी मुझे। एंड दिस इज़ लालटेन जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, मुझे पुराने ज़माने का कहीं से मिले तो मैं असली में उसको रखूँ अपने पास, पर मुझे कहीं से मिलता ही नहीं है। एप्पल, आई नो रफ स्केचेस हैं, बट तब मैं पेंटिंग आर्टिस्ट नहीं थी, तब मैं सीख रही थी, ये तब का काम है। ये वो जिसमें अचार डालते हैं, ये वो बाम, एंड दिस इज डोई डोई। ये एब्स्ट्रैक्ट था, और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, वास डिफरेंट डिज़ाइन बनाया था, मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, सीधा सीधा नहीं बनाना, तो जी ये एल्बम तो होती है हमारी ख़त्म, तो चलते हैं दूसरी एल्बम के जानिब। और ये मेरा पेन एंड वर्क है, इंडियन इंक, एंड ये पेंटिंग है, ये मैंने कब बनाई थी, आई थिंक सो तभी बनाई थी सिक्स, ओह ये तो मैंने कॉलेज ज्वाइन, पेंटिंग मैंने तब बनाई थी जब मैंने अभी कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया था, और मैं कोई पेंटिंग वगैरह बनाने का, पेंटिंग आर्टिस्ट बनने का मेरा कोई मूड नहीं था, ये मैंने तब बनाई थी पेन एंड इंक। सेकंड, ओके जी, ये मेरे स्केचेस हैं जब मैं पेंटिंग आर्टिस्ट बन चुकी हुई थी, और मैंने स्केचेस किसी से बनाने नहीं सीखे, मैं खुद ब खुद बनाती थी, तो अब मैंने स्केचेस बनाने छोड़ दिए। देखें यहाँ पे भी पानी चला गया था, ख़राब हो गया। मुझे एक कारी साहब ने बहुत डिटेल्ड में बताया था कि मेरे साथ कब्र में क्या होने वाला है और मेरे साथ आखिरत में क्या होने वाला है, तो मुझे पता है तस्वीरें बनाना भी गुनाह है, वीडियो बनाना भी गुनाह है, बट जो स्केचेस बनाना है उसका अजाब बहुत ही मैं बयान नहीं कर सकती, इसलिए मैंने स्केचेस बनाने आज से तकरीबन 10 साल पहले छोड़ दिए। 2010 में आई थिंक सो मैंने अपना लास्ट स्केच बनाया था, नहीं 2017 में मैंने लास्ट स्केच बनाया था, वो जो बुलबुले वाले महमूद साहब हैं उनका, क्योंकि जैकपॉट मूवी में ज़रूरत थी उस स्केच की, बहुत अर्जेंट, तो बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड स्केच था महमूद साहब का, वो मुझे बनाना पड़ा, वो भी मैं एंड में आपसे शेयर करती हूँ, बिकॉज़ वो स्केच वो एज अ गिफ्ट ले गए थे अपने साथ ही, बट उसकी पिक्चर मेरे पास है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये मेरे बहुत पुराने स्केचेस हैं, इसलिए जो फेसेस हैं दे आर नॉट क्लियर। ये मैंने डाइजेस्ट के लिए बनाया था स्केच, शमा डाइजेस्ट के लिए, डाइजेस्ट के लिए भी मैं बनाती होती थी, ये भी शमा डाइजेस्ट के लिए स्केच था। ये सब डाइजेस्ट के लिए थे स्केचेस। मेरा जो है आधे से ज़्यादा सामान बारिश के पानी ने ख़राब कर दिया, मेरे इतने ज़्यादा कलर्स, ब्रशेस, कैनवासेस और ये बना हुआ काम, पेंटिंग्स, मेरे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, सब बारिश के पानी ने तबाह बर्बाद कर दी। तब मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ें हैं वो एक ना एक दिन चली जानी हैं, कब्र में हमने अकेले ही जाना है, तो दिल पे पत्थर रखा। फिर मुझे चीज़ों का इतना कोई ख़ास अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अकेले जाना है, ये सब कुछ लेके नहीं जाना, तो इट्स फाइन, हम जाएंगे, हमारे अमाल जाएंगे कब्र में, बस अल्लाह पाक बख्श दे। मुझे पता है मैंने ये गुनाह किए हैं, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, मैं बड़े उससे आप लोगों को शो कर रही हूँ, बट ये मेरा शौक था कभी, अब मैंने स्केचेस बनाने छोड़ दिए हैं। बड़े दिल से बनाती थी मैं ये सब कुछ, बट अब मेरी पेंसिल काम नहीं करती, मेरा साथ नहीं देती, बनाना चाहूँगी तब भी नहीं। और आई थिंक सो फातिमा धीरे धीरे आ रही है मेरी जानिब। मैं यहाँ पे नहीं हूँ,
उप्स उप्स वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने ही बनाया ये सब कुछ सीरियसली आई लेफ्ट एवरीथिंग फेसेस बनाना बहुत बड़ा गुनाह है तस्वीरें बनाना भी गुनाह है बट हम बनाते हैं हमें पता है गुनाह है हम फिर भी गुनाह करते हैं अल्लाह माफ़ करे ये जी डाइजेस्ट में जब कहानी छपी थी तो ये इस तरह से मेरे स्केचेस पब्लिश होते थे मैंने उनकी कॉपी कर ली ये मैंने अपनी तरफ से नादिया खान बनाई थी जब वो मॉर्निंग शो करती थी तो ये कौन है आमिर भाई कह रहे थे मेरी तस्वीर मत दिखाना आमिर भाई मैंने नहीं दिखाई स्केच खुद ब खुद आ गई है मेरे हैं बहनोई आमिर भाई अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से आमिर भाई जितने पैसे दिए थे ना वसूल हो गए ना ये भी कोई आई थिंक सो मॉडल ओके ये मैंने एक बनाया था लोगो एक लॉन की कंपनी थी ओके जी ये वाली भी हो गई ख़त्म थर्ड वन ये रैन ये मेरे बहुत पुराने जब मुझे बड़ा शौक होता था ऐवें ही बना लेती थी ये अमिताभ बच्चन मैंने बनाया था बहुत पुराना 2003 में जब मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैंने पेंटिंग आर्टिस्ट बनना बट मुझे शौक होता था मैं बनाती थी ये मेरी सिस्टर ज़ैनब उसकी ऐसे लग रहा है आवाज़ें टूटी हुई है अजीब गरीब सी बनाई है बट शौक था बना लिया शौक होता था मैं बनाती रहती थी कुछ ना कुछ बहुत पुराना 2003 का ये है काम अजीब ड्रा रही है ये तो ये अच्छा है ना ये भी 2003 में मैंने बनाया था गुड आइडिया इसकी मैं पेंटिंग भी बनाऊंगी इसकी मैं बड़ी वाली पेंटिंग भी बनाऊंगी और ये क्या है ये कोई बाबा जी हैं ये मैंने ना डॉन न्यूज़ था या पता नहीं जंग था कौन सा था उसमें मैंने देख के बनाई थी ये 2006 में मैंने किया था ये वाला काम बुरा नहीं है ठीक है ये भी 2006 में था नॉट बैड ये भी 6 में था इन सबको मैं फ्रेम करवाऊंगी कभी अभी जगह ही नहीं है शूज इंक ग्लासेस कैंडल और ये हाँ हमारा दिल भी ऐसे ही टूटता है ना दिल टूट जाए तो UHU लगाएं बिल्कुल ठीक हो जाएगा नहीं कुरान पाक पढ़ें नमाज पढ़ें अल्लाह से दिल लगाएं कभी दिल नहीं टूटेगा जो टूटा हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा राइट लास्ट वन ओके जी ये स्टोरी बोर्ड था जो मैंने जैकपॉट मूवी के लिए बनाया था सॉन्ग था शुक्रिया उसकी मैंने स्टोरी बोर्ड बनाई थी ये अच्छा एंड में मैंने वो स्केच भी दिखाना है जो मेरा लास्ट था नो उल्टा आई थिंक सो यस ये सीधा है
बैंक की बिल्डिंग, ड्राई क्लीनर, जेल, इसको क्या बोलते हैं, कैफे, बार, जो भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ड्रिंक्स पीते हैं ना। तो जी ये था हमारा काम। और अब आप देखें मेरा लास्ट स्केच। ये एक अंकल थे, उनका मैंने स्केच बनाया था, और ये महमूद साहब फ्रॉम बुलबुले, उनका स्केच है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, और ये उनकी रियल पिक्चर के साथ स्केच। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने अपना तमाम पुराना काम आपसे शेयर करना था, कर लिया। इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और क्या कहना था, ना ही बिजली का बिल आता है, ना ही क्या बोलते हैं उसको, करंट लगता है। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।